अनाउंस किया जाएगा। और इस बीच हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीकानेर से। लक्ष्मण, सबसे पहले तो अगर आपके साथ कुछ लोग हैं तो सबसे पहला सवाल उनसे यही पूछिए कि टैक्स में जो ये छूट मिली है उसको वो किस तरीके से देख रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सवाल हम लेंगे। हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल है, हमारे साथ जींस एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा है, तो सीए जो है सुधीर शर्मा है, इसके अलावा भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं। सबसे पहले चूंकि आपने जो सवाल किया है टैक्स स्लैब को लेकर, चूंकि ये बजट है सीधे तौर पर लग रहा है लोक लुभावन बजट है, लेकिन निश्चित तौर पर मिडिल क्लास को सीधे तौर पर फायदा होता दिख रहा है और किसानों के लिए बहुत बेहतर नजर आ रहा है। 6000 की जो घोषणा की गई है और 75,000 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, निश्चित तौर पर फायदा होगा। लेकिन सबसे पहले हम सीए की प्रतिक्रिया लेते हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मास्टर स्ट्रोक है, सही में मास्टर स्ट्रोक निकला। 2.5 लाख से 5 लाख करना लोगों का एक सपना था, हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सरकार 50,000 से ज्यादा बढ़ेगी, ये बहुत ही गजब की चीज है। 3 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा, लगता है तकरीबन 10 करोड़ वोटर लोगों गवर्नमेंट के इफेक्ट होंगे इससे, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है ये निकल कर आया। अब चूंकि जींस एक्सपर्ट है पुखराज चोपड़ा, आप क्या कहेंगे किसानों के लिए? ये चूंकि फर्स्ट इंडिया में जब आप बात कर रहे तो आपने कहा था कि इस तरह का प्रावधान हो सकता है, आप बाजार विश्लेषक है, बड़े कैसे देख रहे हैं और बाजार के लिए कैसा बजट है? देखिए, किसानों के लिए काफी कुछ किया है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर 2% की छूट, मछली पालन पे 2% की छूट और पशुपालन पे 2% की छूट, 6,000 रुपए सालाना किसान के घर पेंशन भेजने की, 75,000 करोड़ की एक नई योजना, उसके अलावा भी बहुत सारी हिडन योजनाएं हैं जो किसानों के लिए आ रही है, जो पूरा बजट पढ़ने के बाद में समझ में आएगी। हम किसान के लिए चाहते थे और ये घोषणा चाहते थे कि इस तरह की बात हो कि आइंदा किसान को कर्ज माफ करने की ये चुनावी घोषणा है वो बार बार न हो, इस पे मोदी सरकार कदम उठाए, कर्ज माफी की घोषणा ना हो। देखिए, ये पॉलिटिकल सटायर भी उन्होंने कहीं ना कहीं किया है। हमारे साथ विठल बिस्सा है, आप चूंकि एजुकेशन से जुड़े हैं, किस तरह से देख रहे हैं पहली प्रतिक्रिया? एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत कुछ है नहीं? देखिए, निश्चित रूप से बजट देखने के बाद यही लगता है कि केवल और केवल ये केवल आंकड़ों का मकड़ जाल है। पिछले 5 सालों से मोदी सरकार कंटिन्यूस लोगों को सब्ज बाग दिखा रही थी, वो की वो चीजें इस बजट में दिखने को मिल रही है। बजट में ना तो बेरोजगारों के लिए ना शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए, केवल इनकम टैक्स की छूट, वो भी जब सरकार अंतिम चरण में है और सरकार को लगता है कि आने वाले समय में वोटरों को लुभाने के लिए कोई ऐसी घोषणा करनी है। हाँ सर, कांग्रेस ही दिख रही है इनकी। हम चूंकि भाजपा से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, सबसे पहले हम जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य से बात करते हैं, भाजपा कैसे देख रही है? बहुत ही बढ़िया बजट इसको कह सकते हैं, आम जन की जो अपेक्षा थी अपेक्षा के अनुरूप मोदी सरकार का यह बजट प्रस्तुत किया है। मैं मोदी सरकार के हमारे पीयूष जी गोयल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस बजट में सभी वर्गों का पूरा पूरा ध्यान रखा है। किसान परिवेश से आप नजर आते हैं और भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, निश्चित तौर पर 6000 की जो घोषणा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है ये तो राहुल गांधी से प्रेरित है। उनसे कोई प्रेरित नहीं है, ये जो फिक्स हर सालाना इनकम देना और एक गरीब किसान को इनकम घर तक पहुंचाना और ब्याज में पशुपालकों को और किसानों को और आपदा में 5% ब्याज की छूट देना आम किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इससे किसान वर्ग बहुत ही खुश नजर आएगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गृहिणी भी है, महिलाओं के लिए 40,000 तक कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए है, आप कैसे देख रही है? तारीफ बनती है या फिर पॉलिटिकल एंगल आएगा? क्योंकि ये सरकार अभी वेंटिलेटर पर है तो इन्होंने महिला सुरक्षा की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया है, जो महंगाई है उसकी तरफ भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस उसको इन्होंने जीएसटी के दायरे में नहीं लिया है, क्योंकि ये इन्हें मालूम है कि यदि हम महंगाई की दर को कम करेंगे तो आम जनता को राहत मिलेगी, उसके बावजूद भी इन्होंने पॉलिटिकल कमेंट आए। हम वापस आते हैं सीए के पास। देखिए, ये जो एक तो हाउसिंग को लेकर कुछ प्रावधान किए गए हैं, 2 हाउस खरीदने वाली बात है, एफडी में जो है जब हम बचत करेंगे तो 40,000 तक की छूट, इसको थोड़ा समझना चाहिए, आम आदमी सरल भाषा में कैसे समझे ये समझाइए आप। 5 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम भी अगर एक मकान बेचकर आप 2 मकान खरीदते थे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में छूट मिलती थी, सरकार ने इसको चेंज किया था लेकिन घूम फिर कर वहीं पर आ गई है। दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल से टैक्स पेयर को रगड़ रगड़ कर मारा है सरकार ने, आखिर में जाते मल्लम लगा दिया, मेरे को लगता है इसका असर आएगा आखिर में जाके। ये कह रहे हैं कि 4 साल कुछ खास नहीं कर पाए, आप कैसे देख रहे हैं, क्या सही है ये बयान? देखिए, हमेशा 2 तरह की प्रतिक्रिया आती है बजट पे, एक पक्ष की एक विपक्ष की, इसके बीच का रास्ता यदि निकाले तो बजट अच्छा था, बजट सुंदर था, बजट में जो उम्मीदें थी हम ये चाहते थे कि जो गरीब और गरीब हो रहे हैं और अमीरों की संख्या और अमीर हो रही है, इसकी समीक्षा भी इस बजट में आनी चाहिए थी जो नहीं आई है, ये मुझे जरूर बुरा लगा है और किसानों के तौर भी बुरा लगा है। किसानों को छूट की बात तो हो रही है पर किसानों की कर्ज माफी की जो घोषणाएं हो रही है, चाहे केंद्र सरकार करे चाहे राज्यों की सरकारें करें, उस पर
शुक्रिया शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहां से भी मेहमान जुड़े हुए हैं जो जानकारी दे रहे हैं कि आखिर ये बजट कैसा है, क्या वाकई में यहाँ पर मरहम लगाया गया है या फिर कुछ सोच समझकर ये बजट इस बार दिया गया, अंतरिम बजट जिस पर सबकी नजरें थी। और चलिए